गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 15th of January 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। देखिए, आज जो न्यूज़पेपर होगा वो डबल नहीं आएंगी, वीडियोस दो नहीं आएंगी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में सिर्फ दो ही आर्टिकल ऐसे थे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो बचे हुए आर्टिकल थे वो दोनों कॉमन थे, वो द हिंदू में भी आए थे और इंडियन एक्सप्रेस में भी आए थे, तो इसी वजह से आज दो वीडियोज़ नहीं आएंगी। खैर, जिसको भी इन वीडियोज़ का PDF चाहिए होता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को यहां पर जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट उनको PDF मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर की पहले आर्टिकल से, जो कि है माउजी सेट्स मार्च 15 डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रो ट्रूप्स। देखिए क्या बात हो रही है, पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी अच्छे थे यहां पर, राइट? 1960s में हम यहां पर रिलेशनशिप बनाते हैं, तब तक मालदीव्स क्या था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। हमेशा ही मालदीव एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड में जरूर था वो, अलग अलग जो ब्रिटिश पावर आती है उनके इन्फ्लुएंस में हो जाता है। और इसी कारण से 1965, कौन सा डे है ये, एक ऐसा ईयर है जो मालदीव्स में पूर्ण जो उनका स्वराज्य है, हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी उनको इंडिपेंडेंस मिलती है 1965 के बाद में। इंडिया के साथ उनकी ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से। ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप अब हुई है, इसी के बाद से इंडिया के साथ उनके संबंध शुरू हो जाते हैं। लगभग 60 साल हम देख चुके हैं कि 60 ईयर से हमारे जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है मालदीव्स के साथ में, और उसी रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर अभी तक हम लोग चल रहे हैं कि ठीक है। लेकिन अब ये सवाल उठते हैं कि इंडिया के लिए व्हाई मालदीव इज़ सो इम्पोर्टेंट। हम बार बार पिछले दो महीने से इसी बात की तरफ ध्यान दिए हुए हैं कि इतनी भी क्या ज़रूरत है इंडिया को मालदीव्स की, क्यों हमें बार बार इंडिया जो है वो मालदीव्स की तरफ जाता है, क्यों बार बार इंडिया मालदीव्स को बोल रहा है कि रिश्ते ठीक कीजिए, क्योंकि हमारे लिए मालदीव्स एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है। स्ट्रेटेजिकली क्यों, क्योंकि बहुत नियर है ना, 1200 लगभग आइलैंड्स का एक समूह है मालदीव्स, और काफ़ी नियर है इंडिया से। अगर आप इंडिया के मैप को जाएंगे देखेंगे तो ये देख पाएंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से चाइना मालदीव्स पर काउंटर कर रहा है। इंडिया को काउंटर करने के लिए क्या काउंटरिंग हो रही है कि वो जो उनका बॉन्ड है मालदीव्स के साथ पिछले एक डिकेड से, 2015 से ऑलमोस्ट, उस पर ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। और इसी वजह से जो प्रेसिडेंट माइजू यहाँ पर आते हैं वो मालदीव्स के जो पॉपुलेशन है उनको बोलते हैं कि मैं इंडिया के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल बाहर कर दूंगा, आप लोग मुझे जिता दीजिए। ऐसा ही हमें देखने को भी मिलता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट मोजू जो कि प्रो चाइना पहले से ही माने जा रहे थे वो जीत जाते हैं, और अब जब उनकी शपथ ग्रहण का टाइम होता है तो वो हमारे जब डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप अपने जो ट्रूप्स हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। सवाल उठेगा, लेकिन इंडिया के सोल्जर्स मालदीव्स में है क्यों? सवाल का आंसर ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मालदीव्स के 80% सोल्जर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में भी इंडिया का जो एयरपोर्ट वगैरह मालदीव्स का, वहाँ पर इंडिया के सोल्जर्स होते हैं, वो वहाँ पर एड प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं, फैसिलिटी सिखा, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मालदीव्स में क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी है नहीं, तो मालदीव से इंडिया के अंदर लोग आते हैं अपनी हायर एजुकेशन को करने के लिए मोस्ट ऑफ द, तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये कारण है। अब इसी के ऊपर 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है माउजू के द्वारा, और वो कहते हैं, देखिए अभी मिनिस्ट्री में इनकी मुलाकात हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में, और जब ये लोग मिलते हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है मालदीव्स की, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि इंडिया की दोनों ही मिनिस्ट्रीज या दोनों ही देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और इसी कारण से जो मालदीव्स है वो चाहता है कि इंडिया के ट्रूप्स 15 मार्च तक यहां से चले जाए। तो 15 मार्च की ये बात आई है। आई होप पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है स्पीकर्स फ्लॉड मोर टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। देखिए क्या केस हुआ है महाराष्ट्र का, ये शिवसेना वसी शिंदे सभा जो है उसके अंदर का ये केस है। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर से कुछ ऐसे MLAs होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि फिक्शन हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिंदे ग्रुप के पास जाते हैं। अब ये जो शिंदे था ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है,
ठीक है। और इसमें से जब ये ब्रेकआउट होते हैं शिवसेना से, तो अब हमें कुछ स्टैटिक पोर्शन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या न्यूज़ है हम उसके बारे में आराम से आर्टिकल में समझेंगे कि महाराष्ट्र के जो असेंबली स्पीकर है राहुल नावेकर, उन्होंने जो स्प्लिट दिखाई है शिवसेना पार्टी में, उसको कैसे एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं रखा है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लो होता क्या है। एंटी डिफेक्शन जो लो है वो आपका 52nd जो अमेंडमेंट होता है 1985 में, उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कौन से शेड्यूल में रखा जाता है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज अगर आप 10th शेड्यूल के बारे में कुछ भी सुनेंगे तो हमें सीधा समझ में आना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। कारण क्या होगा? एंटी डिफेक्शन का मतलब है, डिफेक्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह पर। एंटी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि 1960s में ना एक स्लोगन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। क्या था वो स्लोगन? आया राम गया राम। क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, जिसके लिए हमने प्रेसिडेंशियल, हम कहीं ना कहीं एक वो बुनियाद दी गई थी कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लीजिए क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि नहीं, हम लोग पार्लियामेंट की तरफ ही जाएंगे। एक तो बहुत सारे रीज़न है, क्या रीज़न है, जैसे कि हम लोगों के साथ फैमिलियरिटी थी, सिस्टम को समझते थे, फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो इन सारे कारणों की वजह से क्या किया गया, पार्लियामेंट को चुन लिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है ना 1960s में ही, ये जो 1960 से 70 का दशक देखा जा रहा है कि कभी MPs जीत कर आते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं किसी और में चले गए। मुरारी जी देसाई का कुछ ऐसा याल था कि 3 साल तक ही उनकी गवर्नमेंट चल पाई। फिर हम देखते हैं इवन अटल बिहारी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि 10 से 11 दिन के अंदर उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर गिर जाती है। तो ऐसा बहुत केसेस में देखने को मिला, कभी 9 महीने लोकसभा गवर्नमेंट चल रही है, कभी 11 महीने चल रही है, कभी 3 साल 2 साल ऐसे चल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको रोकने के लिए लेके आया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत सारी चीज़ों को रोकता है, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? अब आप सोचेंगे मैम घोड़ों को क्यों लेके आ रही हो आप, MP पार्लियामेंट की बात हो रही है। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है जब एक MP को पैसे देकर यहाँ पर दूसरी पार्टी के लिए खरीद लिया जाता है। अब जब ये 1985 के अंदर आता है तो 1985 में ये भी बातें की जाती हैं कि ठीक है इसके अंदर कानून क्या क्या होंगे। तो 3-4 कानून बनाए जाते हैं। पहला कानून क्या होगा? अगर कोई भी पार्टी का मेंबर खुद से अगर अपनी पार्टी को छोड़ रहा है तो उसको डिफेक्शन की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर होगा कि मान लीजिए व्हिप है। अब व्हिप कौन होता है? जो आपकी पार्टी की सभी बातें यहाँ पर बताता है कि आपको किसको वोट करना है, आपको कब क्या बोलना है। अगर व्हिप ने कोई फैसला दिया या आपको मान लीजिए व्हिप ने बोला कि इस दिन पार्लियामेंट में पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप नहीं गए, नहीं गए तो आपने विप ने जो एक गाइडलाइंस दी थी उनको नहीं माना, तो आपको कहीं ना कहीं पार्टी खुद से एंटी डिफेक्शन स्पीकर के पास ही बोल सकती है कि आप इसको हटा दीजिए, इन्होंने बात नहीं मानी। तीसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर वोट्स की, कि आप पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। वोट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी वोट दे रहे हैं वो आपकी पार्टी के द्वारा बताई जानी चाहिए। फोर्थ हम देखते हैं कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली लड़कर आया है और जीत कर आया, MP बना है, अगर वो किसी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी एंटी डिफेक्शन के अंडर माना जाएगा। फिफ्थ यहाँ पर है नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, हमें पता है ना 12 मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, अब तो वो 10 रह गए हैं क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको नहीं किया जाता है। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, ये नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने, इनके पास 6 महीने का टाइम होता है, अगर 6 महीने तक ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 6 महीने और 10 दिन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये एंटी डिफेक्शन का मुकदमा माना जाएगा। आप पूछेंगे मैम ये इनको शिकायत कौन कर सकता है या इस पे जजमेंट कौन करेगा? क्या हाई कोर्ट के जज के पास बात जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएगा? क्योंकि MPs की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जुडिशरी में से किसी के पास भी नहीं जाएगा। ये जो मैटर जाएगा ना कि ये एंटी डिफेक्शन है या नहीं है, ये जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर ऑफ द हाउस, या फिर हम बोल सकते हैं चेयरमैन ऑफ द हाउस, यानी कि जो हमें हमारा जो चेयरमैन है स्पीकर है उन्हीं के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो एंटी डिफेक्शन के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई कर सके। लेकिन इसकी शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत यहां पर कोई भी मेंबर कर सकता है, एनी प्राइवेट मेंबर जिनको चाहिए कि उनकी तरफ से ये एक तरीके से एंटी डिफेक्शन हुआ है, तो वो स्पीकर के पास शिकायत करेगा। स्पीकर के पास
स्पीकर को एज सुन एज पॉसिबल इसका निपटारा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि कोई टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आपको 10 दिन के अंदर ऐसा करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर ऐसा करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल ऐसे ही आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर ऐसा करना होता है, 14 डेज ऑफ द टाइम, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, ये जो शिवसेना वाली प्रॉब्लम है, अब हम आर्टिकल को समझेंगे तो हमारे लिए आर्टिकल समझना थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि हमने क्या देख लिया है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है कि एंटी डिफेक्शन है क्या। अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है, लिखा गया है पीडीटी आचार्य द्वारा, जो कि लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी रह चुकी हैं, ये बात करें स्प्लिट के बारे में। देखिए एंटी डिफेक्शन में क्या हुआ था ना, जब 1985 में ये एक्ट आता है तो इसमें दो ऐसी अवॉइड करने की सिचुएशन थी कि जिसमें एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। पहली क्या थी, अगर 1/3 ऑफ द मेंबर, अगर एक तिहाई एमपी या एमएलए यहाँ पर क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं पार्टी से, तो उसको स्प्लिट माना जाएगा, यानी कि वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा। फिर सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 2/3 यहाँ पर अलग हो जाते हैं तो उसको क्या माना जाएगा, मर्जर माना जाएगा। लेकिन 1991 के अंदर ये जो स्प्लिट का फिनोमिना था इसको भी हटा दिया गया, यानी कि अब अगर 1/3 हो रहे हैं तो उसको भी एंटी डिफेक्शन ही माना जाएगा, यानी कि डिफेक्शन ही माना जाएगा उसको भी, कि आप छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहे हो, और 2/3 अगर होते हैं तो उसको आज भी मर्जर माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2/3 ऑफ द पार्टी के मेंबर नहीं गए हैं, इसी कारणवश ये जो कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जो समस्या आ रही है इस केस के अंदर, वो देखी जा रही है कि डिफेक्शन का केस है। लेकिन स्पीकर अपनी 1200 पेज का यहाँ पर रखते हैं, अपना जो जजमेंट रखते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि नहीं, ये डिफेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ये स्प्लिट का इशू है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जुडिशियल रिव्यू होता है। इनिशियली जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसके ऊपर आज है। हम अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये केस जा सकता है। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का भी कोई हाथ होता है इसमें। यस, इलेक्शन कमिश्नर का क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी इसमें बैठा इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होगा, लेकिन जब ये चीज़ वैकेंट हो जाती है, जब उस जो भी मेंबर था उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, तब इलेक्शन कमिश्नर यहां पर आते हैं और तब वो इस सीट को दोबारा से भरेंगे। ये होता है बाद का, पोस्ट का काम, राइट। तो आर्टिकल में हमें समझ में आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ को आउटलाइन किया गया है 10th शेड्यूल के अंदर, उसको इन्वोक्ड किया गया है लेजिस्लेटर के द्वारा, जो भी ओरिजिनल शिवसेना पार्टी जिसको उद्धव ठाकरे द्वारा लेड करते हैं, लीडर है उनके, उससे टूट कर वो अंडर एकनाथ शिंदे के अंडर में चली जाती है। तो रूलिंग की गई है स्पीकर की, वो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर थी, और उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं इसको जो रूलिंग है वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं हुई है। इशू की बात करें तो क्या इशू है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो लेजिस्लेचर्स ने सवाल उठाया था कि वॉलंटियरली जो भी ये मेंबर्स गए हैं ओरिजिनल पार्टी से, शिवसेना से, उन्होंने अपनी सब इच्छा के साथ वॉलंटियरली उन्होंने अपना छोड़ा है, जो पार्टी की विप है उसके खिलाफ में उन्होंने वोटिंग की, जो कि एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है, उसकी वजह से उनको डिसक्वालिफाई यहाँ पर कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या किया गया है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो 10th शेड्यूल है उसको मिस इंटरप्रेटेट किया है, गलत समझा है यहाँ पर। तो स्पीकर जो कि नार्वेकर हैं, उनका जो डिसीजन आया है, ऐसा माना जा रहा है कि वो शिंदे ग्रुप को, एकनाथ शिंदे का जो यहाँ पर ग्रुप है उसको बचाने के लिए किया गया है, जो कि जो 10th शेड्यूल है हमारा, उसका जो डिटरमाइंड डिफेंशन है या उसकी जो सोल है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म कर रहा है, गलत बता रहा है। क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन जो है शेड्यूल का, वो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि जो रियल शिवसेना में फैक्शन हुआ है उसको बता रहे हैं कि पार्टी में स्प्लिट हुआ है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, अभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर के पास इतनी पावर होती है कि वो बताएगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, कौन सी पार्टी आपकी अपोजिशन की पार्टी है, अपोजिशन का लीडर कौन है। तो उसके लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर,
कोरम होना चाहिए, 10% ऐसा आना चाहिए जिसके बाद आपको एज अ अपोजिशन का लीडर घोषित किया जाएगा। क्या आज के टाइम पे हमारे यहाँ पर कोई अपोजिशन का लीडर है? नहीं है। अगर हम राज्यसभा और लोकसभा के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मेजोरिटी में नहीं है कि उसको एज अ अपोजिशन और अपोजिशन के लीडर की तरह देखा जा सके। हमें लगता होगा किसी को कि राहुल गांधी तो यहाँ पर अपोजिशन के लीडर होंगे, लेकिन वो अभी के लिए क्योंकि उनके पास कोरम नहीं है तो वो इतनी मेजोरिटी नहीं है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। फिर यहाँ पर एक केस की बात हो रही है, जैसे कि एक केस हुआ था सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दी है जुडिशियल रिव्यू करते टाइम कि अगर कोई भी अपोजिशन, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए एक पार्टी है शिवसेना को अगर हम देख लेते हैं, उसमें से कोई मेंबर यहाँ पर छोड़कर जाते हैं और वो प्लस हो जाते हैं उनकी अपोजिशन की पार्टी के साथ और साथ में गवर्नर को भी वो लेके जा रहे हैं, गवर्नर के सामने प्रस्तुत हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी डिफेक्शन के अंदर ही आएगा। आप ऐसे ही कुछ भी छोड़ के एक अलग तरीके की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसी रूलिंग को बार बार स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, जो डिसीजन क्वेश्चन में लिया गया है स्पीकर के द्वारा कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के, और इसी वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉज हैं उनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको दिखा रहा है कि कैसे उनके इम्प्लीकेशन में आज भी प्रॉब्लम है। इवन इनके ऊपर हमेशा से ये एक दोष लगता रहा है, एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप रिटेल में तो यहाँ पर MPs या MLA को नहीं खरीद सकते लेकिन होलसेल के अंदर खरीद सकते हो। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि मर्जर का 2/3 का यहाँ पर बार बार बात आ रही है ना, तो इसी वजह से ऐसी कुछ स्टेटमेंट या ऐसा कुछ अक्यूजेशन हमेशा 10th शेड्यूल के ऊपर लगता रहता है। और ऑथर का बोलना है कि कैसे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अंडर 10th शेड्यूल उसके अंदर क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, उसकी इंटरप्रिटेशंस एक्यूरेट होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइंस है उनको वो अढेर करके रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का दिस आर्टिकल अबाउट, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं जो कि है रेगुलेटिंग इडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। देखिए अभी हमने पहले वाला जो आर्टिकल देखा है वो था हमारा GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट, राइट? बिल्कुल ये सवाल आ सकता है, हाँ आ सकता है, मेंस में पहले भी एंटी डिफेक्शन के ऊपर सवाल आए हैं, अब भी आ सकता है मेंस के अंदर, पॉसिबल है बिल्कुल। क्या जो हमने पॉइंट देखे वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से समझाया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? देखिए ये जो है ना ये हो जाता है आपका GS पेपर 3 में। जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जो बार बार एमर्ज कर रही है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर ये हमारा ध्यान यहाँ पर दिलवाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या बात की गई है। ये जो आर्टिकल है लिखा गया है अमर पटनायक के द्वारा और ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं ओडिशा से और फॉर्मर ये CAG भी रह चुके हैं, तो इनके व्यूज़ काफ़ी पर्सनल है। अभी इंडिया की मार्केट की बात करें, देखिए ये जो अमर पटनायक है यहाँ पर ये बात करें कि कैसे जो यहाँ पर रेगुलेशन है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। कितनी स्पीड से बढ़ रही है? ऐसा माना जा रहा है, CAGR की यहाँ पर एक रिपोर्ट थी जिसने बताया कि रैपिडली 27% के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखी जा रही है इंडस्ट्री के अंदर, यानी 27% से बढ़ रही है। और AI जो आ गई है, AI के द्वारा प्रेडिक्शन भी है, उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पर इंडिया की GDP में अगर हम 2026 और 2027 का डाटा लें तो हमें पता चलेगा कि लगभग यहाँ पर $300 बिलियन कंट्रीब्यूशन कर सकती है। कौन बता रहा है? AI के द्वारा प्रेडिक्शन है, डाटा को एनालाइज करने के बाद ये बातें बोली गई है। हाउएवर जो एस्ट्रोनॉमिक ग्रोथ है पार्शली जो स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है यहाँ पर इंटरनेट यूजेस वगैरह, स्पेंट वगैरह। देखिए क्या हुआ है ना कि एक तरीके से एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर वर्ल्ड में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है। इसका डाटा बेस बहुत बड़ा है, इंसान बहुत ज़्यादा है, वो सब इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 8th नंबर पर इंडिया ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर इनके जो एवरेज टाइमिंग है स्पेंड पे, फ़ोन पे जो स्पेंड होती है यहाँ पर एवरेज टाइमिंग, वो 5 घंटे 4.9 आवर से ज़्यादा ही निकल कर आ रही है, 4.9 आवर्स यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसका मतलब, और इसमें से भी आधा 2.5 घंटे हम ऑलमोस्ट लगा सकते हैं कि आधा ऐसे आवर्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ही जाते हैं।
राइट। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, इतना बड़ा डाटा बेस होने के बाद, तब हमें समझ में आता है कि ये जो एकदम से बिना इतना टाइम जो यूथ लगा रहा है गेम्स के ऊपर लगा रहा है, या फिर अलग अलग दिशाओं में भी अगर हम बात करें, तो उनको यहाँ पर संभालने के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत है ना। अगर रेगुलेट इस इंडस्ट्री को कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही नई इंडस्ट्री सामने आ रही है, गेमिंग की इंडस्ट्री, जिसके ऊपर रेगुलेशन की पहले कोशिशें भी की गई गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि गेम ऑफ चांस यहाँ पर प्लस जो गेम ऑफ चांस होता है आपका और जो गेम ऑफ यहाँ पर रियल होता है, उसमें डिफरेंस करने की कोशिश की गई है कि कैसे गेम ऑफ लक जो होगा वो एक तरीके से बीडिंग के उसमें कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। ये क्या आ जाएगा, सट्टा जिसे बोलते हैं, उस तरीके से आ जाता है। तो इसको नहीं करना है। गेम ऑफ चांस पे आप जा सकते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें माहिर हो जाएंगे, उसके बाद आप खेलेंगे। तो ऐसी इसी तरीके से एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट रेगुलेटरी इंटरवेंशन की आज के टाइम पर ज़रूरत है। समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डिजिटल मार्केट के कुछ फ्लोज है, इसको ब्रेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि डिजिटल मार्केट के फ्लोज में देखें तो डिजिटल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड है इश्यूज़ के साथ में। जैसे कि देखिए, एआई रेगुलेटेड, हमें पता है कि एआई से जनरेटेड यहाँ पर डीप फेक बहुत ज़्यादा बनती हैं, राइट। तो डीप फेक के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं, इसी वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, इवन ईयू यहाँ पर अपना खुद का एक रेगुलेशन लेके आ चुकी है एआई के ऊपर में। अमेरिका हमें पता है सबसे पहली कंट्री बन जाता है जब वो इसको रेगुलेट करने के लिए कानून लेके आता है। इंडिया बात कर रहा है, जापान बात कर रहा है, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात हो रही है। कहीं पर डिसएग्रीमेंट है, कहीं पर अग्रीमेंट है, इसी वजह से जो मार्केट फेलियर हो रहा है ऑनलाइन सर्विसेज में, जो ट्रस्ट आना चाहिए कहीं ना कहीं, और जो डाटा एंड एल्गोरिदम है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ट्रस्ट यहां पर नहीं बन पा रहा। तो ये कुछ मार्केट फ्लोज भी हैं। फिर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है ग्रोथ में, इट्स गुड, कंट्रीब्यूट करेगी 300 बिलियन से ज्यादा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर भी कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। कैसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है? जैसे यूथ में सबसे ज्यादा गेम्स खेले जाएंगे जो कि एडिक्शन को यहां पर बढ़ाता है, यानी कि आदत हो जाती है, लत लग जाती है। फिर मेंटल इलनेस भी देखी जा रही है, दिमाग इससे कम हो रहा है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। सुसाइड जैसे यहाँ पर चीज़ें देखी गई हैं बहुत सारे गेम्स की वजह से। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड तो हमेशा होते ही रहते हैं, आपसे आपके फ्रॉड कर लिए जाते हैं, पैसे वगैरह छीन लिए जाते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ भी हैं जो प्राइवेसी को कंसर्न करते हैं, प्लस जो डाटा सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर कंसर्निंग बना दिया जाता है। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर बात होनी चाहिए, इन्हीं की वजह से, इन सारे इश्यूज़ की वजह से इसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहाँ पर इसको लागू किया जा सके, इसकी नियमावली एक होनी चाहिए जिसके ऊपर काम किया जा सके, सो दैट ये प्रॉफिट ज़्यादा दे और जो इसके नेगेटिव साइड है उनको हम कम कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा गैम्बलिंग भी देखी जाती है। देखिए, इलीगल, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो गेम बाय लक होता है और गेम बाय चांस होता है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी वो किया है। और उसमें से हम देखेंगे कि गैम्बलिंग यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जो इलीगल गैम्बलिंग होती है, बेटिंग मार्केट जो होती है, बेट लगाती है, वो भी यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। और बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स देखा गया है जो शायद माल प्रैक्टिसेस की वजह से ही आया है। जो किस वजह से आया है? बेटिंग की वजह से आया, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बेटिंग लगा रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि मार्केट में गेम की वजह से जितने पैसे आए हैं, लगभग 100 बिलियन पर ईयर, वो इंडिया के उससे 20% की जो हर बार ग्रोथ से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं हर साल, वो यहाँ पर गैम्बलिंग की वजह से डिपॉजिट हुए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी ये मार्केट है, कितना ज़्यादा गैम्बलिंग यहाँ पर, और उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है टाइम से। लास्ट में इन सभी चीज़ों की समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या, हमने इतने सारे पॉइंट को देखा, रीज़न ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका है क्योंकि लैक ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए उसकी यहाँ पर कमी है, इसी कारणवश सारी समस्याएं हम लोगों के सामने फिलहाल दिखाई दे रही। इसी वजह से ऑथर क्या बोलते हैं कि देखिए, जो सफिशिएंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ना, उनकी अब्सेंस है, और उन्हीं की अब्सेंस की वजह से इतने सारे इलीगल ऑपरेटर्स, अनचेक्ड एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे राइज कर रही हैं, रोज बढ़ रही हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस के लिए, जो इलीगल ऑफशोर मार्केट है, इंडिया एस्टिमेटली
यहाँ पर हर साल 45 बिलियन टैक्सेशन के पैसों को क्या कर रहा है, खो रहा है। इतना सारा टैक्स का पैसा इंडिया को मिल सकता है। और इसी वजह से जीएसटी लगाने की बात की गई थी। सबसे पहले एक साल पहले जीएसटी लगी है गेमिंग के ऊपर। कुछ गेम्स ऐसे जिनके ऊपर 18% ऑफ जीएसटी लगती है, टैक्स लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी गेम नई नई मार्केट में ऐसी आई हुई है ना कि जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। एक तो यहाँ पर इंडिया के मार्केट के लिए टैक्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इकोनॉमी में जीडीपी को बढ़ाएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो सारी रीजंस है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो जो भी गेमर्स है, जो भी यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके जो भी रिस्क हैं उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले उनको जो भी रिस्क है उनको यहाँ पर सुरक्षा दे। दूसरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले। एक सेक्टर की जो ग्रोथ हो रही है वो और ज्यादा बढ़ती रहे तो इसी कारण से वो होगा, ताकि उसके नेगेटिव जो चीजें हैं उनको जब हटा दिया जाएगा। सो यूके का जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रेगुलेटरी की तरह, एक पोटेंशियल मॉडल की तरह यहां पर देखा जा सकता है कि यूके ने कैसे एक यहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑथर उसको देखकर हमारे इंडिया में भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जो इश्यूज है हाई टैक्सेस के या फिर डिक्शनरी अप्रोच जो देखी जा रही है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट में, उन सभी के ऊपर ध्यान देगा। इसकी वजह से प्लोरिफिकेशन होगा इकोनॉमी के अंदर। तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जीएस पेपर 3 में जिसके मेंस में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार 3 साल से ये यहाँ पर न्यूज़ में करंटली चल रहा है। कभी इस पर जीएसटी की बातें होती हैं, कभी रेगुलेशन की बातें होती हैं। इसी वजह से ये तो एक मुद्दा है कि येस इट कैन कम इन मेंस के पेपर। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है 2023 रिकॉर्डिंग मेनी ऑफ द हॉटेस्ट डे ऑन लैंड एंड सी। देखिए जीएस पेपर 3 में अगेन इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कैटेगरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूट करती है, कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कैसे उसके कारण वश अलग अलग चीज़ें, अलग अलग समस्याएँ हमें देखने को मिलती हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जिससे जो 2023 का ईयर है वो हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्लोबल टेम्परेचर को लगभग 1 लाख साल में, 1 लाख साल जो अभी तक हमने देखे हैं अर्थ के, उनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम पे हुआ है। कौन बता रहा है ये? यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, इनके द्वारा ये रिपोर्ट है और इनके द्वारा ये बताया गया। ये कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट इमरजेंसी आ चुकी है आज के टाइम पर, और ये जो राइज हो रहा है इसी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है हुई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये और ज्यादा बढ़ेगा आगे, क्योंकि इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर से यहाँ पर ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, फिर से यहाँ पर, तो एक तरीके से ये सर्कल की तरह काम कर रहा है और ये कंट्रीब्यूट करता रहेगा। जो नेचुरल फिनोमेना है, इंक्रीजिंग जो लेवल है, और ज्यादा इंक्रीज, और ज्यादा इंक्रीज धीरे धीरे टाइम के साथ होते रहेंगे, जब तक यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं देखा जाता है। क्योंकि ह्यूमन सी ऐसे है, एक एंथ्रोपोजोनिक जो रीजंस है वही सबसे बड़े कारण यहां पर है, जिनकी वजह से क्लाइमेट इतना रैपिडली चेंज होते हुए दिखाई दिया है। फिर बात करें तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या बोला जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इंडिकेटर्स क्या थे 2023 के अंदर? तो ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर रहा है ना, वो हर लगभग यहां पर 14.98 डिग्री सेल्सियस से इतना एवरेज निकल के आया है पूरे साल का। अब इस एवरेज में हम देख पाएंगे 0.17% जो सेल्सियस है डिग्री, वो पिछले साल से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। इससे अलावा जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर था 2016 का हॉटेस्ट ईयर था, उससे भी ये ज़्यादा इसी कैटेगरी के ऊपर निकल कर आ रही है। तो ये 2023 इसी वजह से पूरा वार्मेस्ट ईयर बन जाता है हिस्ट्री के अंदर। अब हम देखते हैं कि कैसे ऐसे रीजंस है जिससे हमें पता चलता है। सबसे पहले जो सरफेस एयर है आपकी, यानी कि जो क्लाइमेट, देखिए आपको अर्थ को समझना पड़ेगा इससे पहले, ये हमारी अर्थ है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारी लेयर्स में बटा हुआ है, राइट? तो ये हम 5 एयर लेयर्स को यहाँ पर ऊपर देखते हैं जो पूरे अर्थ के अराउंड हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली क्या है यहाँ पर, सबसे पहली जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि बहुत ही नज़दीक होती है, इसके पास में जो सरफेस है, सरफेस से जो एयर्स उठती हैं ऊपर जाती हैं
हैं, फिर वापस आती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर यहाँ से इनको वापस से वो के ऊपर उठ जाती हैं, फिर हम देखते हैं इधर जा रही हैं, फिर यहाँ से कुछ एयर आ रही है, फिर ऊपर उठ जा रही है, फिर जो एयर इधर जा रही थी इधर जा रही थी, तो इस तरीके से सरफेस के अराउंड में एयर होती है ट्रोपोस्फेयर पर। फिर यहाँ पर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हम और ऊपर जाएंगे तो हम मेसोस्फेयर को देख पाएंगे, फिर अगर हम और ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्सोस्फेयर भी ऊपर होता है, और एक्सोस्फेयर के ऊपर आता है आइनोस्फेयर। ये सारी की सारी कैटेगरी है एटमॉस्फेयर की, जो कि अलग अलग टेम्परेचर को, यहाँ पर कभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कभी टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। हम देख पाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी की। और ओजोन होता क्या है? O3, राइट। तो ऑक्सीजन के जब तीन मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलते हैं तो वो ओजोन को निर्माण करते हैं, जो कि यूवी की, जो आपकी अलग अलग खासकर जो यूवी के रेडिएशन होती है उनको ज़्यादा अर्थ पे नहीं आने देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आता है कि ठीक है, ये सिस्टम है। अब जब हम अर्थ की सरफेस एयर की बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि एयर का, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एयर जो है उसका सर्कुलेशन पूरे कैसे होता है। देखिए, जहाँ पर भी ये, जैसे हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर यहाँ पे क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमें पता है इक्वेटर, यानी कि एक चीज़ हमें पता है, अगर हम एल्टीट्यूड की बात ना करें और अगर हम वर्टिकली बात करें ऊपर से नीचे ऐसे जाते हुए, तो हमें समझ में आता है कि प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ ऑटोमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, राइट। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर जहाँ कम होगा वहाँ से एयर क्या करेगी? ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि ऊपर उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। तो इसी से हम देख पाते हैं कि ठीक है, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है कि एयर ऊपर जाने शुरू हो जाती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा क्या करेगी? नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अब हम अगर मान लीजिए पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, अर्थ एक बार दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है। हमने क्या किया कि हम इक्वेटर पर गए जो कि काफ़ी ज़्यादा वार्म है, इक्वेटर की तरफ हम गए। ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पर पोलर रीजन है, काफ़ी ठंडी रीजन है। बीच में हम जाएंगे तो हम देख पाएंगे टेम्परेट रीजन है, यानी कि ये जो बीच वाला एरिया होता है ये आपका टेम्परेट है। क्यों है? क्योंकि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो इक्वेटर है ना, यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा रेज यहाँ पर आती है, राइट। सन की जो रेज है, क्योंकि वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंक्लाइनेशन हो जाती है सन की रेज का, इसी वजह से यहां पर ज्यादा ठंड मिलती है। और ठंड मिलेगी तो इसका मतलब यहां पे जो सरफेस एयर होगी वो ज्यादा ठंडी होगी। इक्वेटर पे क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो सरफेस एयर क्या होगी? गर्म होने लग जाएगी। और क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो एयर है वो ऑटोमेटिकली राइज करने लगेगी। अब जब ये राइज करते ऊपर जाते तो किस तरफ जाएगी? ठंडी हवाओं की तरफ ये जाना शुरू करेगी, ठंड की तरफ जाना शुरू करेगी। फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये फिर से मूव करना शुरू कर देंगी, फिर से ये जाना शुरू कर देंगी। तो इसी तरीके से ऐसे सर्कुलेशन हमें दिखाई देता है, जो ठंड से यहाँ पे वापस आ रही है, जो टेम्परेचर से आ रही है, फिर से ऊपर उठ जाएंगी, एक दूसरे के साथ भिड़ के ऊपर जाएंगी। फिर ये नियर बाय जो सी होता है, खासकर नियर बाय जो सी आपको दिखाई देता है, हमें हमेशा समझ में आता है कि ये क्या करती हैं, एयर जब गर्म होती है तो सी के ऊपर चली जाती हैं ताकि उनको वहाँ से थोड़ा रिलैक्स मिले और वापस फिर से वो आएंगी। तो ये सर्कुलेशन है पूरा का पूरा। तो ये जो सरफेस एयर टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ता जा रहा है, जून और दिसंबर का अगर हम देखें, जून से लेकर दिसंबर तक का, तो वार्मेस्ट टेम्परेचर दिखाई दिया है जो प्रीवियस ईयर से था, और लगभग ये 0.93 डिग्री सेल्सियस हमें दिखाई दे रहा है 2023 से। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर ये बार बार हवाएं ऊपर जाएंगी फिर वापस कहीं और से आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हीट वेव्स प्रोड्यूस होंगी। देखिए, अलग अलग जगह पर हीट वेव्स होती है, लेकिन इस साल क्या हुआ है ना कि यूरोप में भी बहुत सारी हीट वेव्स देखी गई है, जिनकी वजह से लोगों की जान गई है, राइट, लिटरली डेथ हुई है लोगों की। तो ये इन सारी वजह से, जो एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, उनके कारण ये होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है हिस्टोरिकल वार्म डेज। देखिए, जो ये ईयर काउंट किया गया है ना, अभी बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं, तो पूरे ईयर में ऐसा माना गया कि दो दिन ऐसे निकल कर आए थे जहां पर जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका था प्री इंडस्ट्रियल एरिया 1950 से पहले की अगर हम बात करें। तो अभी हमारे क्या टारगेट है? COP28 हो रही है, यस, हुई है दुबई के अंदर। उसके बाद हम क्लाइमेट, जो पेरिस क्लाइमेट की बातें करते हैं, तो उसमें भी क्या कॉन्फ्रेंस की बातें निकल कर आती हैं कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है
टेम्परेचर को इस पूरे के पूरे समय में, मतलब 2000-3000 तक का जब वो आएगा तो हमें नहीं जाने देना है। लेकिन पूरे साल 2023 का जो साल था, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया हो 1950s प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले का। तो यानी कि इंडस्ट्रियल एरा के बाद में जो एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और 1.5 डिग्री तक का वार्म अप यहाँ पर लगभग हाफ ऑफ द डेज में देखा गया है। 165 डेज हम लगा कर देख सकते हैं कि शायद उनमें इतना ज़्यादा यहाँ पर देखा गया। तो ये दिखा रहा है कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है टेम्परेचर, कैसे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर कुछ और डाटा भी दिया गया है, जैसे कि श्रिंकिंग अंटार्कटिक सी आइस की यहाँ पर बात हो रही है, फिर सी का सरफेस बढ़ रहा है। देखिए सी का सरफेस क्यों बढ़ रहा है, क्यों सी के ऊपर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग काम करती है। अब हमें थोड़ा सा फिर से ज्योग्राफी के यहाँ पर फिनोमेना के अंदर जाना पड़ेगा। मान लीजिए ये सी है, ठीक है, ये पानी है, ये सी है, और यहाँ पर है लैंड, इसी के थोड़ा सा साइड में क्या है, लैंड है, दिस इज़ लैंड, ये सी है नीचे, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक सी है, यहाँ पर लैंड है, पेड़ पौधे हैं। अब हमें पता है कि अगर सन यहाँ पर निकला हुआ है, दिस इज़ सन, अगर सन निकला है तो वो क्या करेगा, शॉर्ट वेव्स के अंदर यहाँ पर अपनी उसकी जो वेव्स है छोटी छोटी करके उसको लैंड पे भेज देगा, ठीक है। लैंड 50-60% ऑफ द सनरेज को अब्सॉर्ब करेगा और जितनी बाकी बचेंगी उनको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देगा। अब यही जो रेज होंगी जब ये आएंगे सी के ऊपर, तो क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा जगह है डीप जाने की, तो सी क्या करेगा, 90% से लेके 95% तक की सारी जो वेव्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेगा। अब इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। अब आप देखिए लैंड जब गर्म हो जाता है ना, बहुत जल्दी हो जाता है, तो यहाँ से कुछ एयर उठेगी प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, ये एयर जाएंगी सी के ऊपर। अब क्योंकि सी के ऊपर यहाँ पर कोल्ड है और नीचे गर्म हो रहा है, क्योंकि इसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो ये हवाएं यहीं पे घूमेंगी, और जब ये ठंडे में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तो ये हवाएं नीचे जाने लगेंगी सरफेस की तरफ, और ये नीचे से इस प्रेशर से निकल के वापस आना चाहेंगी लैंड पे, जो कि सुबह तक ये आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से फिनोमिना काम कर रहा है, वापस जा रही है, वापस आ रही है, वापस जा रही है, वापस आ रही है। लेकिन अब क्योंकि सी का सरफेस गर्म हो रहा है, अब क्योंकि ये सी को गर्म होने में रात तक का टाइम चाहिए। देखिए सी क्या करता है ना, तो वो जल्दी गर्म होता है और ना ही वो जल्दी ठंडा होता है। जैसे कि डेजर्ट क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, फिर ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है, तो इस तरीके से नहीं देखा जाता है। सी को गर्म होने के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए और उसको कूल डाउन करने के लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू लैंड। अगर यहाँ पर सी का सरफेस बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर सी के सरफेस का बढ़ता जा रहा है, तो कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है, कहीं ना कहीं जो मानसून की हम बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, कि कब बारिश होगी, कब क्या चीज़ें बनेंगी, वो फिनोमिना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इससे हिंडर करेगा। चेंजेस देखने को मिलेंगे, उससे चेंजेस कहाँ पर होंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, पैटर्न के अंदर भी हम फिर चेंज देख पाएंगे यहाँ पर। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर सामने आते हैं कि इसी वजह से 2023 के अगस्त और 24 में ये देखा गया है कि सी का टेम्परेचर आज तक सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा गया, क्योंकि जब ग्लोबल टेम्परेचर को नापा गया ना सभी समुद्रों का, तो वो निकल कर आया 21.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि 11 जनवरी 2024 में भी एक तरीके से एस्केलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि कैसे जो ये ट्रेंड है वो अभी भी बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, यानी कि सी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अंटार्कटिक की सी आइस पिघलेगी, नॉर्मल सी बात है। अब क्योंकि यहाँ पर आइस बनी हुई है, मान लीजिए अंटार्कटिका का ही रीज़न, अब यहाँ पर आइस है, आइस क्यों है, ग्लेशियर क्यों है, क्योंकि नीचे से, अब देखिए क्या होता है ना, जब भी सी जैसे हवा ऊपर जाती है ना, वार्मर, गर्म हवा होगी, प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, ऐसे ही जब पानी गर्म होता है ना तो वो ऊपर की तरफ आता है, राइट, और वो ऊपर आके क्या करेगा, पहले ये वाली जो यहाँ पर आइस है नीचे से इसको पिघला देगा, वो पिघल जाएगी, फिर और ऊपर जाएगा, इस वाली आइस को पिघला देगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर पिघला देगा। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है, हमारा डर है कि जो ये अंटार्कटिक सी की आइस थी ना, वो 8 महीने में सबसे ज़्यादा लो देखी गई है। दिसंबर में एवरेज 15% कम थी, यानी कि जितना दिसंबर में यूजुअली हर साल होती है उससे 15% यहाँ पर कम देखी गई है, और ये बहुत ही बड़ा पीरियड है, क्योंकि एवरेज पीरियड कितना देखा गया, पूरे 10 साल का, 1991 से लेकर यहाँ पर 2020 तक का ये पीरियड लिया गया, और इस पूरे पीरियड के दौरान 15% की कमी हमें देखने को मिली। फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, आइस से अगर पिघल भी गई तो क्या हुआ। देखिए अगर आइस यहाँ पर पिघलेगी तो सीधी सी बात है सी का लेवल इंक्रीज होगा,
राइट, सी का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये जो लैंड हम देख पा रहे थे यहाँ पर, अब क्योंकि आइस पिघल चुकी है तो पानी ज़्यादा हो गया, तो अब ये लैंड आइस के यहाँ पर समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। ये इश्यूज हैं। और ऐसा ही एग्जांपल हम टोंगा आइलैंड पे देख चुके हैं, जो कि पहला ऐसा आइलैंड है, या हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, जो सबसे पहले यहाँ पर 2024 में पूरे तरीके से डूब चुका होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने उनके लोगों को यहाँ पर रखने के लिए जगह दी है। तो हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। करंट में हमें समझ में आता है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने वाले हैं। तो खैर, ये था हमारा आर्टिकल, पूरा डाटा आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ चार्ट दिए गए हैं, जैसे कि ये चार्ट जो है, पहला चार्ट दिखा रहा है कि मंथली ग्लोबल सरफेस एयर का टेम्परेचर कैसा रहा है। 1991 से लेके 2020 के एवरेज निकालेंगे तो हम देख पाएंगे 2023 में ये कितना ज्यादा राइज कर चुका है। देखिए 2015 से 2016 में भी ये सिर्फ इतना ही था, लेकिन 2023 में हम देखेंगे तो 0.8 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस के लगभग क्लोज ये जा चुका है। फिर हम चलते हैं चार्ट थ्री, जो कि बता रहा है ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर हम एक से लेके यहाँ पर 175 डेज, 365 डेज की बात करें, तो डेज में अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि 2023 में लगभग सारे ही साल ऐसे थे जो टेम्परेचर लगातार यहाँ पर इंक्रीज होता ही रहा है। थोड़े बहुत अप डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन गया, और 2024 में तो ये ऑलरेडी 0.6 से शुरू हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम चलेंगे, जो कि है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर द टेम्परेचर वॉज 1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो बहुत ज़्यादा 1990s में तो जीरो से कुछ नहीं है, 25-26 दिन होते थे। 2005 में हम देख पाएंगे लगभग 150 डेज का देखा गया था। 2023 में हम देख पाएंगे कि 365 दिनों तक के करीब पहुंच चुका, 350 दिनों से ज़्यादा ऐसे दिन रहे हैं जहां पर 1 डिग्री से ज़्यादा इसको देखा गया है। तो कंपेरिजन अगर किया जा सके पिछले 10 से 15-20 सालों का, तो हम देख पाएंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर देखा गया। ऐसा एक और साल कौन सा साल है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा 2016 हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम 2023 में देखेंगे, ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है 1.5 डिग्री से ज़्यादा। देखिए 2015 तक तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा कभी टेम्परेचर बढ़ा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर चलते हैं, 2016 पहला ऐसा साल आता है जिसमें काफ़ी दिन ऐसे आते हैं जो इस टेम्परेचर को बढ़ा हुआ दिखाई देते हैं, फिर ठीक था। लेकिन अब 2023 में अगर हम देखेंगे तो 150 दिनों से ज़्यादा ऐसे दिन देखने को मिले हैं जो कि 1.5 डिग्री के यहाँ पर जो हमारा पैराडिग्म था उसको पार कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडिया ट्रेन। देखिए बात किस चीज़ की हो रही है, मेडिकल केयर की बात हो रही है इंडिया की ट्रेन के अंदर। तो इंडिया का जो रेलवे है वो कुछ डाटा हम देख लेते हैं कि लगभग हर साल अगर हम देखें, हर साल और उससे भी अलावा अगर हम हर दिन का देखें, तो हम देख पाएंगे कि इंडिया का रेलवे लगभग 23 मिलियन जो लोग होते हैं उनको हर दिन यहाँ पर, ईच डे यहाँ पर ट्रैवल करवाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, राइट, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का ये टारगेट हम देख पाते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें उत्तराखंड जैसे स्टेट के यहाँ पर पॉपुलेशन के साथ, तो हम देख पाएंगे कि ये डबल है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पर ट्रैवल करा रहा है, तो इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन जनसंख्या यहाँ पर अराउज आती जाती है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर केयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी मेडिकल इमरजेंसीज भी देखने को मिलती हैं। इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कैसे इंडिया की जो मेडिकल केयर है, अगर एक्सीडेंट रिलेटेड सेफ्टी को छोड़ दिया जाए, तो हम देख पाएंगे कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर काम करने की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। कैसे जो आज भी मेडिकल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो 1990 वाली केयर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेडिकल इमरजेंसीज़ को रिकॉर्ड की अगर बात करें, तो देखिए कपाड़ी जंक्शन रेलवे की यहाँ पर बात की है, जो कि तमिलनाडु में है, जिसने 2017 के अंदर लगभग 1076 मेडिकल इमरजेंसीज़ को रिपोर्ट किया था। एक ही स्टेशन की ये बात हो रही है सिर्फ, और ये जितने इंसिडेंट थे ना, इनमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे थे जो कि ट्रॉमा को यहाँ पर इन्वॉल्व करते थे, लोग मेंटली ट्रॉमा फील कर रहे होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो कि फीवर्स यहाँ पर हो जाते थे लोगों को, फिर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस देखने को मिलती थी, जैसे कि लो ब्लड शुगर कंडीशंस ऐसे देखने को ज़्यादा मिला। फिर हम बात करते हैं कि ये जो इवोल्व हुई, जो इमरजेंसी की प्रोविजंस केयर यहाँ पर आती है, उसका इवोल्व कैसे हुआ। तो इंडियन रेलवे यहाँ पर एड्रेस करने लगी थी जब मेडिकल कंडीशंस को, वो सबसे पहले किया था लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन में 1995 के पास में, कि ठीक है जो भी लंबी यहाँ पर डिस्टेंस वाली ट्रेन है उनके अंदर हम इनको सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल
फर्स्ट एड बॉक्सेस को लेके आएंगे। तो क्या है ये स्पेशल फर्स्ट एड बॉक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करने शुरू किए गए। 1996 के अंदर रेलवे ने एक मेडिकल टीम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, मेडिकल टीम को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 1996, एक ही साल के बाद में, कि अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होगी उनके अंदर, दो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन थी जिनके अंदर ये मेडिकल टीम रहेंगी। तो इवेंचुअली ये धीरे धीरे सिस्टम थोड़ा और बड़ा होने लगा, यूटिलाइज ज़्यादा आने लगा, सीवियर इलनेस के ओकेजन्स जो थे केसेस के उनके अंदर ये काम आने लगा। और इसी वजह से जो ये रेलवे है उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अदर ट्रेन्स के अंदर भी अडेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर यहां पर कुछ लीगल इंटरवेंशन हमें दिखाई देती है। 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना एक यहां पर रोल निभाते हैं, इंटरवेंट करते हैं, और 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट पुश करता है रेलवे को कि उनकी जो मेडिकल प्रोविजंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको अच्छा बनाया जाए। फिर लगभग एक दशक के बाद, आफ्टर डकेड लिटिगेशन और बहुत सारे प्रपोजल डाले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक कमिटी बनती है 2017 के अंदर, फॉर्मुलेट की जाती है, एक्सपर्ट उसके अंदर डाले जाते हैं जो रिकमेंड करते हैं कि यस इम्प्रूवमेंट्स की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। अब ये जो दो पॉइंट आपको दिखे हैं ना यहाँ पर, ये दो पॉइंट कि हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट 2005 में और 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए कभी भी जब आप मेंस के आंसर को लिख रहे हो। इस चीज़ में आपको बताना चाहिए कि ठीक है ऐसा कुछ हुआ है और अब क्या उनकी रिकमेंडेशंस आई है, क्या उन्होंने रिपोर्ट डाली है, हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। खैर इतने डिटेल में ना जाते हुए अभी हम देखेंगे कि कमिटी बनाएगी, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए गए। अभी आज का करंट स्टेटस क्या है, अगर हम करंट स्टेटस की यहाँ पर बात करें तो हम देख पाएंगे कि जो एक्सपर्ट की कमेटी है ना, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे थे जैसे कि रेलवे के ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, यानी कि रेलवे का जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको सबसे पहले तो फर्स्ट एड और जो 3 साल का उनका रिव्यू किया जाना चाहिए सर्विस का, कि उनको सबसे पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, देना आना चाहिए रेलवे के स्टाफ को। फिर उन्होंने 3 साल में कितना उसको यूटिलाइज किया है, क्या ऐसी कंडीशन आई थी जब ऐसा हो सकता था, इसका यूज़ हो सकता था, क्या उन्होंने उसका यूज़ ठीक से किया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस थी। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे भी रिपेट के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया, यस सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है उसको, लेकिन आज भी कुछ कंप्लेंट्स आती है पैसेंजर्स की तरफ से, उसमें अडल्ट होते हैं, उसमें बच्चों की तरफ से कंप्लेंट्स है, वुमन की तरफ से कंप्लेंट्स है। रीज़न, क्योंकि जो क्वालिटी है मेडिकल सर्विसेज की ट्रेन के ऊपर वो आज भी उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है। फिर यहाँ पर कुछ पर्सनल इंसिडेंट हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आज के गैप को, जैसे कि ऑथर जो हैं जिनका नाम है यहाँ पर पार्थ शर्मा, उनके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था कि जब वो किसी फेलो पैसेंजर को एक हार्ट अटैक आया था और उनको एड प्रोवाइड करवाई जा रही थी ट्रेन के अंदर, यानी कि उनको मदद प्रोवाइड करवाई जा रही थी, तो वो इतने अच्छे से नहीं हुई और इमरजेंसी जो मेडिकल किट थी उसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी की तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो ये एक पर्सनल यहां पर दिखाते हैं कि कैसे वो गैप था, कैसे जो सिचुएशन थी उसको लाने में, उस किट को आने में, उसका यूज़ करने में ऐसा कुछ था ही नहीं कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो करंटली क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, करंटली क्योंकि इनोवेशंस बढ़ चुके हैं, तो मेडिकल जो किट्स हैं उनको भी यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, थोड़ा सा रिफॉर्म कर देना चाहिए, उनको भी यहाँ पर डेवलप कर देना चाहिए कि ठीक है अब ये चीज़ आई है तो इसके अंदर ये चीज़ें भी डाल देनी चाहिए, पहले की जैसा क्यों रखा है। कुछ फर्दर रिकमेंडेशन दी गई हैं, जैसे कि KPP अभिलाष द्वारा जो कि हेड है इमरजेंसी मेडिसिन के CMC वेल्लोर के अंदर, उन्होंने बोला है कि अपडेट करो जो ये लिस्ट होती है ना नेसेसरी मेडिकल आइटम्स की स्टेशंस के ऊपर ट्रेन्स के अंदर, उन सभी चीज़ों को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ डिवाइसेस होने चाहिए जो आइडेंटिफाई कर ले या फिर ट्रीट करने में काम आए हार्ट अटैक जैसे इश्यूज को, ताकि अर्ली ही उनको क्या किया जा सके, ऐड करने से पहले, हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले उनका थोड़ा बहुत यहाँ पर उनकी लाइफ को बचाया जा सके, राइट। ऐसा ना हो कि हम मान सकते हैं कि उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि आप उसको ठीक समय पर वहाँ पर
देख पाए और उसको ठीक नहीं कर सकते उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को, तो लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी CPR वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्ट को आप आर्टिफिशली खुद से वो पंप नहीं कर रहे, आप खुद से उसको करवा रहे हो, राइट। तो उसके लिए कुछ ऐसे होने चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह का जो लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अपडेट करने के कुछ कंक्लूजन है। और रेलवे को देखिए इंश्योर करना चाहिए कि उनके फर्स्ट एड के जो भी आइटम है ना, वो सभी ट्रेन में सभी स्टेशन पर पहले तो अपडेट हो। दूसरी बात है जो क्वालिटी है, जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए उस चीज़ पर क्वालिटी उसकी बढ़ी रहेगी। इसके लिए इंस्पेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, पीरियोडिकली टाइम टू टाइम उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। और रेलवे को डाटा कैप्चर करने की ज़रूरत है, जो हेल्थ केयर के रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर पैसेंजर के अंदर, कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, पॉलिसी जो है इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए पॉलिसी के अंदर। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है न्यू इन्वेस्टमेंट्स लीड 46% इन Q3 एज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा आउटलुक श्रैंक। देखिए इकोनॉमी पेज से ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए कि क्या कैसे ट्रेंड अभी इकोनॉमी में चल रहे हैं। तो आर्टिकल बताता है कैसे एक डिक्रीज देखने को मिला है, जो नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं इंडिया के अंदर और तीसरे क्वार्टर में 2023 का, जो थर्ड क्वार्टर था, कौन सा क्वार्टर होगा 2023 का, यहाँ पर कौन सा होगा, सितंबर से दिसंबर तक का, तो ये जो क्वार्टर था इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2022 के साथ में, तो हम देख पाएंगे कि वो 2022 में तो ज़्यादा था। तो ये क्यों हुआ है और क्यों ऐसा एटीट्यूड बन गया है इन्वेस्टर्स का कि वो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप क्यों देखने को मिला है? तो कुछ कारण है इसके, जैसे सिक्वेंशियल डिक्लाइन हम देख चुके हैं, तो ड्रॉप जो ज़्यादातर देखने को मिला है वो मिला है यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होती है उनके अंदर। तो ये फॉल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अलग अलग क्रिटिकल सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा देखने को मिला है, स्टील वगैरह का। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ में उनको लग रहा है कि जिससे ज़्यादा फायदा होगा ऑटोमोबाइल्स वगैरह से, वहां पर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देख पाएं कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे क्या क्या रहे हैं जिनका इफ़ेक्ट हो रहा है, तो देखिए बिलो एवरेज मानसून हुई है, ठीक है, जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम यहाँ पर मानसून इस समय पे आई है। उसके अलावा इलेक्शंस आ रहे हैं, लोगों को थोड़ा डर है कि पता नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, खासकर जो FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है, उसमें यह डर बिल्कुल दिखाई देता है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी अपने नए जो कैपेक्स है, कैपिटल जो हम देख पाएंगे एक्सचेंज प्रोग्राम, उनको भी अभी होल्ड पे रखे हुए हैं कि नहीं अभी हम एक बार इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या लाना है, डिसीजन क्या लेना है हमें। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर हम देख पाएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे जो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की परसुएट है फिस्कल रिस्ट्रेंट के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही है। कितना डिक्रीज़ देखा जा रहा है, अगर हम फाइनेंशियल क्वार्टर यहाँ पर डिक्लाइन करें तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में -61.5% तक का देख सकते हैं, माइनिंग के अंदर 53.65% तक डिक्लाइन आया, इलेक्ट्रिसिटी में 7.56% तक, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं तो माइनस देख सकते हैं, डिक्लाइन देख सकते हैं 56.11%, और इरीगेशन यानी कि जो सिंचाई होती है उसके अंदर तो ये -7.75.4%। तो सभी सेक्टर का मिला के लगभग यहाँ पर 45% तक का हम डिक्लाइन देख सकते हैं। ओनरशिप की बात करें कि कैसे फ्रेशिंग में, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर जो ओनरशिप लेती थी प्रोजेक्ट्स का वो भी कम देखने को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंटशिप कम ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट कम ले रहे हैं, प्राइवेट में भी कम हुआ है, प्राइवेट इंडियन जो लेते हैं उसमें भी कम हुआ है। टोटल यहाँ पर 45.9% फिर से ओनरशिप फ्रेश जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके अंदर ये कमी बार बार देखी जा रही है। खैर यहीं पे हमारा जो आज का न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अभी तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर डेली ऐसे ही आपको देखना है न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जो आपका लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स के अंदर, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।